अपनी पॉलिटिकल साइंस की पिछली वीडियो में हमने बात की थी COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जिसमें हमने उनके हायरार्की वाइज रैंक्स की बात की थी। सबसे पहले PM, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है, हमारे देश में गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को समझने के लिए मिनिस्टर्स की वर्किंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के बारे में। इतनी सारी अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे एजुकेशन, सिक्योरिटी, फाइनेंस, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। इन सब में गवर्नमेंट के सारे कामों को मैनेज करने के लिए अराउंड 50 मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं। कौन सा काम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, ये डिसाइड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 के अंडर बनाया गया है। गवर्नमेंट का सबसे मेन पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है सेंट्रल सेक्रेटरिएट, जिसके अंडर गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आते हैं। इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं एक मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। हर मिनिस्ट्री के दो हेड होते हैं, पॉलिटिकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। पॉलिटिकल हेड बेसिकली एक पॉलिटिशियन होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी मिनिस्टर को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री एटसेट्रा, इन सब के हेड कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और बाकी कुछ मिनिस्टर्स जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एटसेट्रा, इन सब के हेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक मिनिस्टर होते हैं, जिन्हें उस मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होता है। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल हेड यानी मिनिस्टर। अब ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट में एक पॉलिटिशियन को उस डिपार्टमेंट की उतनी नॉलेज नहीं होती। उसके लिए होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिनमें आते हैं ऑफिशियल्स जो उस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को हम सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि जनरली ये सेक्रेटरी रैंक के IAS ऑफिसर्स होते हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम यही ऑफिशियल्स देखते हैं। मिनिस्टर का काम सिर्फ सुपरविजन और फाइनल डिसीजन लेने का होता है, क्योंकि वो उस मिनिस्ट्री की हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं और वो उस मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्लियामेंट में जब किसी मिनिस्ट्री के किसी डिसीजन पर चर्चा होती है, तो उस मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल हेड को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से अपनी बात रखनी होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी वही सरकार की तरफ से अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज में काम काफ़ी वर्सेटाइल होता है, इसलिए वो दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं, और हर डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एक सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर। इनके पॉलिटिकल हेड भी हो सकते हैं। कई बार जब कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम करते हैं, तो उनको किसी डिपार्टमेंट का चार्ज भी दिया जा सकता है एज पॉलिटिकल हेड। फिर कुछ डिपार्टमेंट का काम काफ़ी वास्ट होने की वजह से आगे वो विंग्स में डिवाइडेड होते हैं। हर विंग का हेड होता है एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर। फिर आगे विंग्स में आते हैं डिविजन्स। हर डिवीजन का हेड होता है एक डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर। और फिर आगे डिवीजन ब्रांच में डिवाइडेड होता है, और हर ब्रांच का हेड होता है अंडर सेक्रेटरी। और ब्रांच में आते हैं सेक्शंस। सेक्शंस एक मिनिस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसके हेड को कहते हैं सेक्शन ऑफिसर। एक सेक्शन में कई सारे असिस्टेंट और क्लर्क आते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली डीलिंग्स असिस्टेंट्स कहा जाता है, जो लोएस्ट लेवल पे मिनिस्ट्री का काम देखते हैं। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वो इसी लेवल पे असिस्टेंट्स और क्लर्क की वैकेंसीज को फिल करने के लिए होते हैं। ये तो बात हो गई एक मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अब बात करें मिनिस्ट्रीज की, तो गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हम गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.goidirectory.gov.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से यूनियन गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्रीज पे क्लिक करने पर हमारे सामने सारी मिनिस्ट्रीज के नाम आ जाएंगे। अब हम यहाँ से किसी भी मिनिस्ट्री को ओपन करके उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे उस मिनिस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से ऑफिसेज उनसे अटैच्ड हैं, उसके अलावा कौन कौन सी एपेक्स ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस उस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, और उसके अलावा कौन कौन सी PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, और लास्ट में वो सारी स्कीम्स, प्रोग्राम्स और मिशंस जो इंडियन गवर्नमेंट उस मिनिस्ट्री के अंडर चला रही है। इसके अलावा किसी भी मिनिस्ट्री के हेड्स के बारे में जानने के लिए हम सिंपली उस मिनिस्ट्री के विकिपीडिया पेज को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की, जैसे होम मिनिस्ट्री। उसके लिए हम जाएंगे goidirectory.gov.in पे मिनिस्ट्रीज पेज पे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे।
तो इस मिनिस्ट्री के अंडर जैसा कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स आते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ JNK अफेयर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इसके अंदर आने वाले ऑफिसेज की अगर बात करें तो असम राइफल्स, BSF, CRPF, SSB, CISF, NSG, NIA एटसेट्रा, ये सारी फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। यानी देश की कई सारी आर्म्ड फोर्सेज और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी फोर्सेज होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। होम मिनिस्ट्री के हेड्स के बारे में जानने के लिए हम सिंपली उसका विकिपीडिया पेज ओपन कर लेंगे। इसमें हम देख सकते हैं मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल अमित शाह, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल हेड कहलाएंगे। फिर जैसा कि हमने देखा, होम मिनिस्ट्री में 8 डिपार्टमेंट्स आते हैं, इसलिए उनको सुपरवाइज करने के लिए 2 और मिनिस्टर उनके अंडर असाइंड हैं, किशन रेड्डी और नित्यानंद राय, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक पर हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बात करें तो वो हम यहाँ मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव में देख सकते हैं, अजय कुमार भल्ला IAS, जो होम सेक्रेटरी कहलाएंगे। होम मिनिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो इसके अंडर 4 डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। नेक्स्ट इसके अंडर जो ऑफिसेज आते हैं वो हैं कैंटीन सोर्स डिपार्टमेंट, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। अब मिनिस्ट्री हेड्स की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल हेड हैं राजनाथ सिंह, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनके अंडर उनको असिस्ट करने के लिए हैं श्रीपद येसो नायक, जो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। IAS ऑफिसर अजय कुमार डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जिन्हें हम डिफेंस सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उसमें टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और मिनिस्ट्री हेड्स की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की पॉलिटिकल हेड हैं निर्मला सीतारमन, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनके अंडर उनको असिस्ट करने के लिए हैं अनुराग ठाकुर, जो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। IAS ऑफिसर अजय भूषण पांडे फाइनेंस मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जिन्हें हम फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, तो उसमें टोटल 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट इसके अंडर जो ऑफिसेज आते हैं वो हैं सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CPDO, सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म एटसेट्रा। और मिनिस्ट्री हेड्स की बात करें तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल हेड हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनके अंडर उनको असिस्ट करने के लिए हैं पुरुषोत्तम भाई रूपाला और कैलाश चौधरी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आगे आप इसी तरीके से जिस भी मिनिस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के बारे में। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पे हम डिटेल वीडियो बनाएं, जिसमें हम उस मिनिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन, रोल्स और स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।